और आगे तुम लोग देखो, अभी के टाइम में कस्टम में ना बहुत प्रकार की प्राणियां पाई जाती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो पर कवर किया था उन प्राणियों को जो ग्लूवॉल का बहुत ही गलत प्रयोग करता है, मतलब एक गंदे तरीके का दुरुपयोग करता है ग्लूवॉल का। इतना ग्लूवॉल लगाता है कि हम लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। अब अगर इसके विपरीत कुछ ऐसे प्राणियों का समुदाय होता है जो बिना ग्लूवॉल लगाकर तुम लोगों का दिमाग खराब कर देता है। अब यार जॉयस्टिक का दुरुपयोग करने वाले प्राणी कस्टम है यार, ग्लूवॉल आए खेल। नहीं 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 इस राउंड पे नहीं यार, ग्लूबॉल लाए खेल भाई, तेरे पास अनलिमिटेड ग्लूबॉल है भाई, ग्लूबॉल का सदुपयोग करना, सिर्फ ग्लूबॉल लगा ले। उम्र सारी बट गाइज ये तो कुछ भी नहीं है। आज हम लोग जिन प्राणियों के ऊपर बात करने वाले हैं, ये प्राणी गाइज इन दोनों प्राणी के लेवल से बहुत आगे बढ़ चुका है। अच्छा, ये जो प्राणी का समुदाय होता है गाइज, मैं लिख के देता हूँ पूरी तरीके से, ये लोग पागल होते हैं। ये बस आएगा और तुमको चिपका कर चले जाएगा, चाहे तुम्हारे और इसके बीच का न्यूनतम दूरी जितनी भी हो, बस आएगा तुमको चिपकाएगा और चले जाएगा। वन टैप तो भाई मेरी चुटकियों का खेल है, देखा पवंडर रवि देव कैसे वन टैप मारेंगे, ये ले साले वन। इस बार देख भाई ऐसे ट्रिक लगाएंगे ना, ऑटोमेटिक गोली हेड पर जाएगी, ये देख ऑटोमेटिक गोली चले जाता है, बट इस बार उस नूबड़े का गलती से हेड लग गया, तू बस बचा ले। इस बार देख पागल हैम्प्टन क्राउच हेडशॉट दिखाते तेरे को, ये देख पागल हैम्प्टन क्राउच हेडशॉट, वो बच गया इस बार पागल हैम्प्टन क्राउच हेडशॉट, हैकर है साला, प्योर हैकर है, पूरा पूरा हैकर है भाई ये, बचा ले बस इस बार, स्ट्रेटजी लगाएंगे। चाहे इन प्राणियों को मानने के लिए गाइस तुम दुनिया का कोई भी सूत्र लगा लो, बट अंततः आई मीन एट द एंड तुम लोगों को सिर्फ नाकामयाबी ही मिलेगी, वो भी भरी बेइज्जती के साथ। इस बार छोड़ूंगा नहीं, देखो पूरा स्ट्रेटजी लगाऊंगा भाई, इसको मार के छोड़ूंगा भाई, बॉडी बॉडी भर दो। हां भाई ये आ गया, अब देख ये लड डेजर्ट के हेडशॉट साले, कोई बात नहीं भाई इस बार कर सकते, आ रहा आ रहा, ये ले हेडशॉट डेजर्टिकल का भाई, ये पक्का हैकर है। हां भाई हां एकदम सही बोले, मैं नूब नहीं हूं, वही हैकर है, प्योर हैकर। बट रुको गाइस, इन प्राणियों को शायद ये नहीं पता कि ये लोग जब M10 का बॉडी शॉट दिखा रहा था, तब इधर तुम्हारा डार्क भाई दुनिया को वन टैप सिखा रहा था। तो यार गाइस तुम्हारा डार्क इधर आ चुका है, विद अनदर वन टैप ट्यूटोरियल वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज तुम लोग देखना मेरे चैनल पर कितने दिनों तक वन टैप सीरीज का कोई भी वीडियो नहीं आया है। तो यस, आज हम लोग बात करने वाले हैं तुम लोग नेक्स्ट लेवल का वन टैप हेडशॉट कैसे मार सकते हो, वो भी एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में। आई एम श्योर गाइज मोस्ट ऑफ द बंदे जो इस वीडियो को देख रहा है, तुम लोग इजीली वन टैप मार लेते हो, ठीक है, मतलब डेजर्ट ईगल या फिर मिड रेंज में तुम लोग इजीली वन टैप मार लेते हो, बट जब भी एनिमी एकदम शॉर्ट रेंज में आता है, लाइक एकदम ही शॉर्ट रेंज में आ जाता है, तब तुम लोग वन टैप उसको नहीं मार पाते हो, चाहे तुम लोग जितना भी ड्रैग कर लो कुछ भी कर लो, बट वन टैप कनेक्ट होता ही नहीं है। और ये प्रॉब्लम गाइज एक टाइम पर मैं अभी फेस कर चुका हूँ, और मैं भी शॉर्ट रेंज में वन शॉट बिल्कुल नहीं मार पाता था, बट गाइज मैंने घोर तपस्या के बाद कुछ गुप्त ज्ञान प्राप्त किया और उसका रिजल्ट तुम लोग इधर देख ही सकते हो, एकदम मैं भी अभी चिपका ही देता हूँ किसी को भी। सो यस गाइज इस वीडियो में तुम लोगों के साथ वही गुप्त ज्ञान शेयर करने वाला हूँ। सो यस गाइज वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना, काफी ओपी वीडियो होने जा रही है और बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने जा रही है, बिकॉज देखो यहाँ पर काफी बंदे ऐसे हैं जो सीएस रैंक में हेडशॉट रेट पुश करता है। सो तुम लोग क्या करते हो, डेजर्ट ईगल लेते हो, बट जब भी एनिमी शॉर्ट रेंज में आ जाता है तो तुम लोग पीछे भागते हो उससे, ताकि तुम लोग उसको हेडशॉट से नॉक कर पाओ, मतलब अगर एनिमी शॉर्ट रेंज में आता है तो तुम लोग शॉर्ट रेंज में नहीं चिपका पाते हो, इवन तुमको ही दूर भागना होता है। तो ये चीज गाइस आज के बाद तुम लोगों को करना नहीं पड़ेगा, तुम लोग किसी भी रेंज में एनिमी को इजीली नॉक कर सकते हो, वो भी हेडशॉट के साथ। और अगर बात करें गाइस कस्टम में, तो तुम लोग कुछ लेजेंड्स का वीडियोस देखते हो, लाइक वाइट एफ एफ और बहुत सारे ऐसे वन टैप लेजेंड है जो एकदम क्लोज रेंज में इजीली हेडशॉट मार देता है, एकदम चिपका देता है, ठीक है, सो वो लोग कैसे कर लेता है इस वीडियो में तुम लोगों को जानने को मिल जाएगा। सो यस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना, बहुत अभी वीडियो होने जा रही है। सो चलो गाइस ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ गाइस, अगर कोई बंदा इस चैनल पर नया आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इस चैनल पे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहते हैं और काफी यूनिक वीडियोस आते हैं जो तुम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा हो, सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अब देखो जब भी हम लोग एक्सट्रीम शॉट रेंज में वन शॉट मारते हैं, तो उस कंडीशन में तुम्हारे एम का और ड्रैग प्रोसेस का ऐसा रिश्ता होना चाहिए जैसे रोमियो और जूलियट। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एम सेट के ऊपर, फिर बात करेंगे ड्रैग प्रोसेस के ऊपर। तो देखो गाइस एम सेट करने से पहले मैं एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर देखो अगर एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में होगा एनिमी, तो इस कंडीशन में अगर तुम लोग बॉडी पर एम रखते हो, यानी कि रेड एम, तो इस कंडीशन में तुम लोग कभी भी ड्रैग करके हेडशॉट नहीं मार सकते, कभी भी नहीं मार सकते, तुम लोग ट्राई कर सकते हो। ये चीज तो क्लियर है कि अगर एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में एनिमी होगा तो उस कंडीशन में हम लोगों को एम को बॉडी पर रखकर ड्रैग कभी नहीं करना है, क्योंकि हेडशॉट लगने वाला है नहीं उस कंडीशन में। सो यहाँ पर जरूरी है गाइस एम को सेट करना, यानी कि एम सेट। तो देखो एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में वन टैप मारने के लिए
तुम लोग 3-4 प्लेसमेंट में एम को सेट कर सकते हो। लाइक सबसे पहला है पैरों के नीचे, तुम लोग यहाँ पर एम सेट करके इजीली हेडशॉट ले सकते हो। सेकंड है लेफ्ट पर भी एम सेट करके तुम लोग हेडशॉट ले सकते हो। फिर है राइट पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इधर से भी तुम लोग हेडशॉट ले सकते हो। और जैट द एंड है वो है आसमान पर, यहाँ पर रखकर भी तुम लोग इजीली एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में हेडशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो चुका है, इन चार प्लेसमेंट में हम लोग एम रखकर इजीली एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में हेडशॉट ले सकते हैं। बट गाइस हम लोग एम को सेट करेंगे कैसे? अब गाइस तुम लोग एम को मूवमेंट और सुपर जंप का कॉम्बिनेशन बनाकर सेट करना है। अब देखो अगर एनिमी को बोलोगे तुम लोग भाई रुक जा मुझे एम सेट करना है एक मिनट, तो एनिमी तो रिटर्न में ये बोलेगा नहीं कि हाँ भाई आकर तू आराम से एम सेट कर, मैं तो यहाँ पर खड़ा हूँ। तो देखो यहाँ पर तुम लोग एम सेट करना है मूवमेंट और सुपर जंप लेते हुए। यहाँ पर देखो गाइस मैं कर रहा हूँ जिगजैग मूवमेंट, इधर उधर मूव कर रहा हूँ, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर टाइम आता है एक सुपर जंप लेने का। यहाँ पर देखो गाइस पहले एम को नोटिस कर लो कहाँ पर मेरा एम है, फिर मैं करता हूँ यहाँ पर जंप। अब देखो जंप के ड्यूरिंग में एम को अपने पैरों के नीचे ला रहा हूँ, अपने पैरों के नीचे नहीं अपोनेंट एनिमी के पैरों के नीचे ला रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा इजी होता है। यहाँ पर मैं एम रखकर इजीली हेडशॉट मार सकता हूँ। अब गाइस मैंने अपने एम को सेट कब करा, सुपर जंप लेते हुए। अब काफी बंदों को नहीं पता सुपर जंप होता क्या है, सो एक मिनट, हर मुश्किल का हल गूगल। सुपर जंप का मतलब क्या होता है? हाँ तो यही, तुम लोगों को सुपर जंप लेना है, फिर अपने एम को पैरों के नीचे या फिर लेफ्ट राइट और आसमान में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ पैरों के नीचे शिफ्ट। अब यहाँ पर मेरा कैरेक्टर एकदम परफेक्ट पोजीशन पर है हेडशॉट मारने के लिए, बस मुझे क्या करना है ड्रैग। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था एम और ड्रैग का कुछ ऐसा ही बंधन है जैसे रोमियो जूलियट, ठीक है। तो यहाँ पर तुम लोगों को एम को देखते हुए ही ड्रैग करना है। अगर एम पैरों के नीचे है तो हम लोग यहाँ पर ड्रैग करना है स्ट्रेट ड्रैग। तो यहाँ पर मेरा एम है पैरों के नीचे, मैं करता हूँ यहाँ पर सीधा ड्रैग, इजीली मिल जाता है मुझे हेडशॉट। अब अगर सेकंड कंडीशन है लेफ्ट और राइट एम, देखो अगर लेफ्ट में एम होगा और एनिमी एकदम एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में होगा तो इस कंडीशन में तुम लोगों का रोटेशन ड्रैग मारना है, यानी कि एम अगर यहाँ पर है तो इधर तुम लोग ऐसे फायर बंड को रोटेट करोगे, देखो एकदम इजीली हेडशॉट लग जाएंगे। और देखो कितने परफेक्टली मेरे हेडशॉट कनेक्ट हो रहे हैं, हर एक बार कनेक्ट होगा, एक बार भी मिस नहीं जाएगा, हर एक बार कनेक्ट होगा। अब गाइस अगर इससे भी डिटेल में जानना है कि कौन से इम्प्लेसमेंट में कैसा ड्रैग करना चाहिए, सो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम लोग जाकर चेक कर सकते हो। सो गाइस नेक्स्ट चीज है ड्रैग स्पीड एंड ड्रैग डिस्टेंस। देखो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है शॉर्ट रेंज में वन शॉट मारने के लिए या फिर मिड रेंज में वन टैप मारने के लिए। तो बेसिकली अगर हम लोग शॉर्ट रेंज में वन टैप मारेंगे तो हम लोग का ड्रैग स्पीड एंड ड्रैग डिस्टेंस भी बदल जाएगा। देखो एनिमी और तुम्हारे बीच का जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही गाइस तुम लोगों को ड्रैग करना है। यहाँ पर देखो अगर मैं मिड रेंज में होता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा भी ड्रैग करूंगा, लाइक यहाँ तक ड्रैग करूंगा, और थोड़ा अगर स्लोली ड्रैग भी करूंगा तो मुझे इजीली हेडशॉट मिल जाएगा। बट ये चीज़ पूरा चेंज हो जाता है जब एनिमी और तुम्हारे बीच का डिस्टेंस चेंज होता है। लाइक अगर एनिमी और एक्सट्रीम शॉर्ट रेंज में आएगा, काफी शॉर्ट रेंज में आ जाता है, तो इस कंडीशन में गाइस तुम लोगों का जो ड्रैग डिस्टेंस होता है वो काफी ऊपर तक तुम लोगों को खींचना पड़ेगा, मतलब राइट फायर बटन को काफी ऊपर तक तुम लोगों को खींचना पड़ेगा। साथ ही में गाइस तुम लोगों को अपना ड्रैग स्पीड चेंज करना पड़ेगा, लाइक यहाँ पर तुम लोगों को ज्यादा फास्टली ड्रैग करना पड़ेगा एज कम्पेयर जो तुम लोग लॉन्ग रेंज में करते हो। और ये चीज गाइस तुम लोग किसी भी लेजेंड प्लेयर जो वन टैप बहुत ही खतरनाक लेवल का मारता है उसका तुम लोग जाकर हैंड कैम देख लो, वो देखना मिड रेंज में जैसा ड्रैग करता है, जिस स्पीड से ड्रैग करता है, शॉर्ट रेंज में वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, शॉर्ट रेंज में काफी फास्टली ड्रैग करता है। तो गाइस जब भी एनिमी काफी शॉर्ट रेंज में आएगा तुम लोगों को थोड़ा फास्टली ड्रैग करना है। नेक्स्ट है गाइस फायर बटन साइज एंड प्लेसमेंट। देखो फायर बटन साइज तुम लोगों का 50 से नीचे होना चाहिए, मतलब 50 से कम होना चाहिए, और जो प्लेसमेंट है वो स्किन के जितना नीचे होगा उतना बेटर होगा, बिकॉज ऊपर हम लोगों को ज्यादा स्पेस मिलेगा ड्रैग करने के लिए, बट हाँ नीचे थोड़ा जगह छोड़ देना ताकि तुम लोग रोटेशन ड्रैग मार पाओ। नेक्स्ट है गाइस सेंसिटिविटी एंड डीपीआई। सेंसिटिविटी तो नो डाउट तुम लोगों को 100 रखना है, और डीपीआई भी तुम लोग लगा सकते हो अगर 100 में भी तुम लोगों को सेंसिटिविटी कम लगता है, सो तुम लोग डीपीआई भी लगा सकते हो। बट पर्सनली मैं नहीं बढ़ाता, इधर तुम लोग जितने भी क्लिप देख रहे हो विदाउट डीपीआई का क्लिप है, सो अगर तुम लोग अपने सेंसिटिविटी से संतुष्ट हो तो डीपीआई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सही गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है, और अगर ऐसे रेगुलर वीडियो देखना चाहते हो टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही अगर दूसरा कंटेंट कुछ देखना चाहते हो तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ गाइस प्लीज बताना नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, अगर कुछ डेंजरस टॉपिक तुम लोग देते हो तो मैं उसको शाउट आउट भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।